किसान भाइयों, मैं रोहित कौशिक हिमाचल से आपको फिर से बताना चाहूँगा कि मैंने आज एक जो अपना जीवामृत और डिकम्पोजर तैयार किया है और वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से। ये देखिएगा, ये मेरा कोई 15-20 दिन पुराना बनाया गया घोल है और ये है, आप देख रहे होंगे, जीवामृत का, जिसमें 10 किलो गोबर, 10 किलो 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़ और कुछ मिट्टी और डीकम्पोजर के साथ ही इसको मैंने बनाया है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 तरह के बैक्टीरिया अवेलेबल है और जब ये जीवामृत हम डीकम्पोजर के साथ बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। देखिए, इसके ऊपर आपको झाग दिख रही होगी बनी हुई और मैं इसका अप्लाई भी कर रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे मैंने 2 ड्रम बनाए थे, एक का मैं यूज कर चुका हूँ और ये है वेस्ट डिकम्पोजर जो कि बना हुआ है, देख रहे होंगे। ये 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ की सहायता से तैयार किया जाता है और किसी भी क्रॉप में हम इसका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आज, मेरे पास ये शीशी प्रोवाइड हुई थी डिकम्पोजर की, एक मैंने 3-4 शीशियां मंगवा के रखी थी, तो मैंने आज फिर से, जैसे अभी हमारे आगे की फसल शुरू होने जा रही है, टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी, खीरा, तो इन सब के लिए मैंने ऑलरेडी ये तैयार कर रखा है। और एक मेरे पास टैंक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उस टैंक में मैं इसका जो ड्रम है उल्टा करके सिंचाई के लिए यूज कर रहा हूँ। ये देखिएगा, ये टैंक है। तो बहुत ही अच्छा मुझे रिजल्ट इसका देखने को मिल रहा है और सभी लोगों की से यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप डीकम्पोजर का प्रयोग करते रहें और जीवामृत बनाएं, घन जीवामृत बनाएं। और दूसरी चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, ये मेरे पास गोबर है। आफ्टर यूजिंग ऑफ डीकम्पोजर आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी खाद, कितनी बेहतरीन खाद आपको देखने को मिल रही है। देखिए, बहुत ये काम सारा किसने कर रखा है, डीकम्पोजर ने। इसमें आपको अभी तक कैंचुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन बोलने के लिए तो कह सकते हैं कि कैंचुए द्वारा किया गया, लेकिन नहीं, गोबर में कैंचुए खत्म हो गए थे। ये काम जो है वो डीकम्पोजर ने ही किया है, बहुत पुराना गोबर रखा था, लेकिन ये देखिए किस तरह से इसका एक बिल्कुल प्योर मिट्टी बना दी है इसने, जिसे हम कीटा बोलते हैं अपनी स्थानीय भाषा में, बहुत ही अच्छा। तो सभी हिमाचल वासियों और जितने भी लोग YouTube पे देखते रहते हैं, जगत सिंह जी और कृष्णा, जगत सिंह जी का और डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी का YouTube, वो लोग इन चीज़ों पे फोकस करें। माय कॉन्टैक्ट नंबर 8298-40050, 8219846050। और जो मेरे पास बाजार की केमिकल वाली दवाइयाँ थी वो मैंने पूरी तरह से जला दी है, जो कुछ बची भी थी। और डीकम्पोजर एक ऐसी दवाई है कि देखो, 3 साल का तो इसका शेल्फ लाइफ है ही है, 3 साल तक तो आप इसका निरंतर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सपोज करें कि मैंने एक दवाई बनाई केमिकल वाली दवाई मार्केट से मैं लाया और उसका स्प्रे मैं खेत में करने जा रहा हूँ, सपोज करो, और अचानक बारिश पड़ जाती है तो वो दवाई वेस्ट हो जाती है। लेकिन डीकम्पोजर एक ऐसी दवाई है, आप भले ही इसको किसी कंटेनर में पड़ा रहने दो, बनाने के बाद ये खराब नहीं होगी। जिस तरह कृष्ण चंद्रा जी, जगत सिंह जी में बताते हैं कि एक उन्होंने गड्ढे में रख के 2 साल तक जब उस। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आज कीटनाशक, जैविक कीटनाशक बनाने जा रहा हूँ। इसके लिए हमें क्या क्या लेना है आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ले रखी है, हरी मिर्च को इस वक्त कूट रहा हूँ। ये हरी मिर्च है, ये करीब करीब 1 किलो या 0.5 किलो इस हिसाब से ले सकते हैं, जितनी हरी मिर्च तीखी होगी उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। और यहाँ पे जो सामने ये आपको एलोवेरा दिख रहा है, इसका जो गुदा होता है, जब डीकम्पोजर के साथ हम इसको बनाएंगे तो आप इसको काट के डायरेक्ट भी इसको कूट सकते हैं। तो यहाँ पे ले रखा है, ये कांग्रेस घास, कांग्रेस घास
जिसे पशु नहीं खाते हैं, ऐसा कोई भी घास ले सकते हैं। और यहाँ है ये नींबू, नींबू के पत्ते और लहसुन और ये लहसुन है। इन सबको इकट्ठा करके आप एक बहुत अच्छा कीटनाशक तैयार कर सकते हैं और 48 घंटे के अंदर ये तैयार हो जाता है।